अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। 5 साल देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ को झेला है और अब मौका आया है। लोग अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं कि तुमने 2014 के चुनाव से पहले जो वायदे किए थे उन वायदों का क्या हुआ। चाहे 15 लाख रुपए देने की बात हो, चाहे किसानों की फसल दोगुनी करने की बात हो, चाहे हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, चाहे हिंदुस्तान के तमाम वो लोगों को जो झूठे सपने और झूठे वायदे करके इन लोगों ने वोट हासिल किए उनके चेहरों पर खुशहाली लाने की बात हो, चाहे देश की सुरक्षा का सवाल हो, हर मुद्दे पर, चाहे देश की आंतरिक नीतियां हो, चाहे विदेश नीति हो, केंद्र की मोदी सरकार हर मामले पर पूरी तरह से विफल रही है। और निश्चित रूप से जब लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका है, जिस जिस क्षेत्र में जब जब चुनाव होगा, मतदान होगा, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ को सबक सिखाने। सर, गठबंधन, ये जो गठबंधन है बसपा और समाजवादी पार्टी का, ये बीजेपी को कितना हद तक नुकसान दे सकता है, कुछ इसके बारे में? गठबंधन ने अपनी ताकत साबित की है। 4 उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, चारों जगह भारतीय जनता पार्टी को हराया है हम लोगों ने। निश्चित रूप से जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश से सफाया हम भारतीय जनता पार्टी का करेंगे ही, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ के भगा देंगे। लोकसभा में कितनी सीटों का अनुमान है आपके हिसाब से गठबंधन को उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सभी जगह जमानत जब